फ्यूल मोटर टाके के अंदर डालने से पहले आपको क्या करना है, एक बार इसको सॉकेट लगा के चेक कर लेना है कि फ्यूल मोटर चालू है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करो। आप देख सकते हैं, बस 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 देख सकते हैं यहाँ से पेट्रोल निकल रहा है ये, क्योंकि मेरा मोटर ओके है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस 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 इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं तो कभी कभी केस में क्या होगा कि आप मोटर फिट कर देंगे और टाकी के अंदर फिट करने के बाद आप उसको चढ़ा देते हैं ऊपर, चढ़ाने के बाद क्या होगा कि अगर नहीं चलेगा फिर उसे वापस से आपको टाकी उतारना हो जाएगा। तो उससे पहले हमको ये फ्यूल मोटर चेक करके लेना है, आप नया डालिए या फिर आप ये टाकी भी की साफ करने के समय टाकी उतारिए या फिर नया रिप्लेस करिए, दोनों केस में आपको ये चीज़ें कर लेनी है। नहीं करना, अगर नहीं करिएगा तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगा, आपको डबल डबल परेशानी हो जाएगा। और एक चीज़ है इसमें कि मोटर है ना, जब भी आप डालिए ओरिजिनल मोटर डालिए, लोकल मोटर का कोई भरोसा नहीं रहता है। 5 दिन 10 दिन चलेगा, उसके बाद से वो फिर जाम हो जाता है, फिर गाड़ी में आपका स्टार्टिंग का दिक्कत आने लगेगा। तो चलिए हम इसको फिट करके ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो रबड़ होता है, ये रबड़ को अच्छे तरीके से फिक्स लेके लेना पड़ता है करके, नहीं तो अच्छे तरीके से फिक्स नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से पेट्रोल लीक होने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये रबड़ है, जो कि ये थोड़ा सा छोटा रहता है, कि छोटा इसलिए दिया जाता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, टाइट में बैठे। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको बैठा के ले लेता हूँ। देख सकते हैं मैं बैठा के ले लिया हूँ, और ये जो है, ये जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे आपको इस तरह से घुमा के इस तरह से घुमाना है और अच्छी तरीके से इसको पुश करना है। आप देख सकते हैं मैं इसको फिक्स करके ले लिया। आप देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर हो गया। अभी मैं इसको लगाता हूँ इसके इधर, क्योंकि इसको केयरफुली से लगाना होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसको बैठाना है। देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ फिट करके ले लिया हूँ, और ये देख सकते हैं लॉक भी मैंने फिट करके ले लिया, देख सकते हैं, और ये सॉकेट भी मैंने अभी लगा के ले लेता हूँ। ये जो है देख सकते हैं लग गया है, कट करके आवाज़ बज लगा है, ये हो गया। और ये वायरिंग जो है हम इस पोजीशन पे लेंगे, यहाँ यहाँ पे ये वायरिंग रहेगा, देख सकते हैं। और ये जो इस साइड का वायरिंग है वो इस हिसाब से जाएगा, इस गद्दे के नीचे से, देख सकते हैं इसके नीचे से यहाँ सेटल होगा, देख सकते हैं यहाँ से सेटल होगा। चढ़ाने के ऊपर ऑटोमेटिक सब अपने अपनी जगह पर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं उसको चढ़ा के ले लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। टाकी हमने चढ़ा के ले लिया है, पूरा फिटिंग भी हो गया है, और इसको अभी मैं फिट करने वाला हूँ। ये जो पाइप है, पाइप को फिट करने वाला हूँ, और ये पाइप यहाँ रहेगा, आप देख सकते हैं इस पर प्रेस करना होता है, और यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा। अब ये जो है पाइप, ये जो पाइप है उस साइड वाला जो पाइप है, ये देख सकते हैं ये मेन है, जो कि इसको मेरे को लगा के लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसको लगा के ले रहा हूँ, देख सकते हैं अभी पूरी तरह से बैठा नहीं है, क्योंकि एक हाथ से बैठना इम्पॉसिबल होता है, ये लॉक इसको दोनों हाथ से पुश करना होता है। अभी बैठ गया है लॉक, आप देख सकते हैं बैठा दिया मैंने, देख सकते हैं ये बैठ गया, प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। और ये पाइप अभी लगाते हैं, जो कि हवा का पाइप, जो वैक्यूम का पाइप होता है, ये इसको भी मैं लगा के ले लेता हूँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं लग गया पूरा, और ये हमें क्लिप लगा देना उसके ऊपर से, देख सकते हैं क्लिप भी हमने लगा के ले लिया।
तो इसका अभी मैंने पूरा टोटल फिट हो गया इसका, और इसका जो ऊपर का जो पीछे का जो बैक साइड का जो सील्ड होता है वो सील्ड हम लगा के लेंगे, जो कि इसका कवर होता है वो कवर भी लगा के हम ले लेंगे। उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। स्टार्ट हो गया है हमारा, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं टेस्ट ड्राइविंग लूंगा इसका, गाड़ी को मैं ट्राई ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारा हो गई है कंप्लीट। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा हमेशा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।